पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में इस समय T20 लीग्स का बोलबाला मचा हुआ है, जहां क्रिकेट साउथ अफ्रीका और UAE का क्रिकेट बोर्ड अपने अपने T20 लीग्स को लेकर के प्लेयर एक्विजिशन के लिए आमने सामने है। वहीं भारत के IPL की तमाम फ्रेंचाइजीज IPL 2023 की ट्रेड विंडो और उसके मिनी ऑक्शन की तैयारियों में जुटी हुई हैं। हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था वो चार भारतीय खिलाड़ियों के बारे में, जो कि IPL 2023 की ट्रेड विंडो में एक टीम से दूसरी टीम में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। और आज उसी का सेकंड पार्ट मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, जिसमें मेरे हिसाब से चार विदेशी खिलाड़ी जो कि कंफर्म ट्रेड हो सकते हैं फॉर द IPL 2023। तो आपको सबसे पहले तो वीडियो को एंड तक देखना है और उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि क्या आप मेरी इस लिस्ट से एग्री करते हो और आपके हिसाब से वो कौन से खिलाड़ी हैं जो कि IPL की ट्रेड विंडो में हमें ट्रांसफर होते हुए दिखाई देंगे। सो विदाउट फर्दर डिले नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर वन ओवरसीज प्लेयर जो कि IPL की ट्रेड विंडो में हमें ट्रांसफर होते हुए दिखाई दे सकते हैं इस लखनऊ सुपर जायंट्स बैट्समैन इवन लुइस। अब इवन लुइस को लखनऊ सुपर जायंट्स ने एज अ बैकअप अपनी टीम में शामिल किया था और इवन लुइस की जो प्रेफर पोजीशन है यानी कि ओपनिंग बल्लेबाजी, वहां पर उन्हें एक बार भी बैटिंग करने का मौका नहीं मिला और जब भी वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेले तो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में ही उनके फर्स्ट चॉइस खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में ही उन्हें खेलने का मौका मिला था। ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स के पास ऑलरेडी काइल मेयर्स का एक ऑप्शन तो है ही और साथ ही में उनको इतनी ज्यादा सलामी बल्लेबाजी की जरूरत भी नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से लखनऊ सुपर जायंट्स वो टीम होगी जो कि ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन में हमें बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हुई नहीं दिखाई देगी, बिकॉज उनकी टीम में ऐसी कोई कमी है भी नहीं और उनके पास हर प्लेयर के लिए तकरीबन दो दो ऑप्शन भी मौजूद है, हर स्लॉट के लिए दो दो प्लेयर मौजूद है। तो वहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स इवन लुइस को ट्रांसफर करके या तो अपना बजट फ्री कर सकती है या अगर उन्हें कोई अच्छी डील मिलती है तो इवन लुइस को वो जरूर ट्रांसफर कर सकते हैं। इवन लुइस को वो टीमें एक्वायर कर सकती हैं जिनको टॉप ऑर्डर में एक पेस हिटर की दरकार है, क्योंकि इवन लुइस ना सिर्फ एक डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग बैट्समैन है बल्कि पेस के खिलाफ वो कमाल की हिटिंग करते हैं और 5 इंटरनेशनल T20 सेंचुरी वो लगा चुके हैं, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीम इवन लुइस को अपनी टीम में ट्रांसफर करवा सकती है और लेफ्ट हैंडर ओवरसीज उनको बल्लेबाज मिल जाएगा। लेकिन क्या लखनऊ सुपर जायंट्स उनको ट्रांसफर करेगी ये जरूर देखना इंटरेस्टिंग होगा। सेकंड प्लेयर जो कि IPL 2023 की ट्रेड विंडो में हमें ट्रांसफर होते हुए दिखाई दे सकते हैं इन माय ओपिनियन इज कोलकाता नाइट राइडर्स पेस बॉलिंग ऑलराउंडर पैट कमिंस। पैट कमिंस पर 7,25,00,000 रुपए कोलकाता नाइट राइडर्स ने खर्च किए थे इन द मेगा ऑक्शन ऑफ 2022। लेकिन पैट कमिंस जहां किसी और टीम में जाकर एक बड़ा कीमती स्लॉट को फुलफिल कर सकते हैं दैट इज बैक ऑफ द लेंथ पेस बॉलिंग, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है, एक ऐसे विदेशी गेंदबाज की जरूरत है जो ना सिर्फ बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग अच्छी करता हो बल्कि डेथ ओवर में भी उनको अच्छी बॉलिंग करके दे, क्योंकि उनके पास उमेश यादव, शिवम मावी की तरह ही गेंदबाज मौजूद हैं जो कि डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं करते और उस पर अगर पैट कमिंस उनकी टीम में रहते हैं तो वो उनके लिए एसेट से ज्यादा एक लायबिलिटी बन जाते हैं। और 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पैट कमिंस की खराब परफॉर्मेंस के बाद उन्हें बेंच पर भी बैठा दिया था। ऐसे में मैं ये अंदाजा लगा रहा हूं कि अगर कोलकाता नाइट राइडर्स को कोई अच्छी डील मिलती है या फिर अपना बजट फ्री करवाने के लिए, क्योंकि अगर उनको मिनी ऑक्शन में कोई अच्छे ऑप्शन मिलते हैं लाइक मिचेल स्टार्क या फिर बेन स्टोक्स तो वो पैट कमिंस को रिलीज कर सकते हैं। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस जिनको वो बैक ऑफ द लेंथ पेस बॉलिंग ऑप्शन चाहिए जो कि थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर ले, वो पैट कमिंस के पीछे जरूर जा सकती हैं। थर्ड ओवरसीज प्लेयर जो कि IPL 2023 की ट्रेड विंडो में हमें ट्रांसफर होते हुए दिखाई दे सकते हैं इस दिल्ली कैपिटल्स फास्ट बोलर लुंगी एनगिडी। अब दिल्ली कैपिटल्स ने 2022 के मेगा ऑक्शन में कई खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया जिनको वो बहुत ज्यादा मौका नहीं दे पाए थे और लुंगी एनगिडी उनमें से एक थे जिन्हें एक भी मैच IPL 2022 में खेलने का मौका नहीं मिला। लुंगी एनगिडी साउथ अफ्रीका के हिट द डेक पेस बोलर हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो गेंद को दोनों तरफ स्विंग भी करा सकते हैं और थोड़ी बहुत वेरिएशंस भी उनके पास हैं जिससे वो T20 फॉर्मेट में कारगर साबित हो सकते हैं। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स के पास ऑलरेडी एंड्रिक नौरकिया, मुस्तफिजुर रहमान, खलील अहमद, चेतन साकारिया जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं और अगर वो लुंगी एनगिडी को रिलीज करने का फैसला करते हैं तो ना सिर्फ वो अपना बजट थोड़ा सा फ्री कर लेंगे बल्कि एक ओवरसीज स्लॉट भी उनका फ्री हो जाएगा जिससे वो एक और खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, कोई ऐसा जिसे वो रेगुलरली प्लेइंग 11 में मौका दे पाए, क्योंकि लुंगी एनगिडी को टारगेट
करने के लिए कई टीम्स उतावली बैठी हैं। चेन्नई सुपर किंग्स जो कि उनकी पुरानी टीम है वो भी उनको एक्वायर कर सकती है। केकेआर को अगर कोई नहीं मिलता तो वो भी लुंगी एनगीडी के पीछे जा सकते हैं। और आईपीएल में लुंगी एनगीडी का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है, 14 मैचों में 25 विकेट्स उन्होंने ले रखे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर दिल्ली कैपिटल्स इस बात को लेकर के अश्योर्ड है कि लुंगी एनगीडी की हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे पेस बॉलिंग ऑप्शन है, तो वो लुंगी एनगीडी के साथ ट्रेड विंडो में जरूर एंगेज हो सकते हैं। फोर्थ प्लेयर जो कि आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो में एंगेज हो सकते हैं इस राजस्थान रॉयल्स बैट्समैन रैसी वंडर डुसेन। 1 करोड़ में रैसी वंडर डुसेन को राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन लुंगी एनगीडी जैसे खिलाड़ियों की तरह उन्हें भी बहुत ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, खास करके तब जब मिडिल ऑर्डर में कई बार राजस्थान रॉयल्स को रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ी को ऊपर भेजना पड़ा क्योंकि उनके ना ही बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा थी और ना ही मिडिल ऑर्डर में उनके पास कोई रिलायबल ऑप्शन थे। लेकिन रैसी वंडर डुसेन का सही इस्तेमाल अगर आपको करना है तो या तो आपको एकदम उनको टॉप पर भेजना पड़ेगा, आप उनसे ओपनिंग करवा लो, या फिर आप उनको नंबर 5 नंबर 6 पर भेजो क्योंकि स्पिनर के सामने अगर हमको शुरुआत में बैटिंग करनी पड़ती है तो वहां पर वो थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर करते हैं, लेकिन जहां पेस हिटिंग की मामला आ जाता है वहां पर रैसी वंडर डुसेन इस समय एक बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है। भारत के खिलाफ हम सभी ने उनकी बल्लेबाजी देखी है और जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में वो पेस हिटिंग कर रहे हैं दैट इज एब्सोल्युटली कमेंडेबल। और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमों में अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो रैसी वंडर डुसेन उनके लिए एक कमाल के ऑप्शन हो सकते हैं। वेंकटेश अय्यर के साथ रैसी वंडर डुसेन की एक कमाल की ओपनिंग जोड़ी भी बन सकती है। ऐसे में आई विल नॉट बी सरप्राइज कि राजस्थान रॉयल्स का ये खिलाड़ी हमें किसी और टीम में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे। वैसे तो आप इस लिस्ट में कायरन पोलार्ड जैसे खिलाड़ियों का भी नाम डाल सकते हो, लेकिन मैंने उन खिलाड़ियों को इस लिस्ट में चुना है जिनको दूसरी टीमें एक्वायर करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड भी होंगी और जो अपनी टीम से खुद भी ट्रेड किए जाने की कवायद कर सकते हैं या फिर खुद को रिलीज करवा सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से इन खिलाड़ियों को अगर ट्रेड में आना है तो इनकी टीम्स को भी इन्हें छोड़ने के लिए रजामंदी होनी चाहिए और ये खिलाड़ी खुद भी अपनी टीम से निकल करके जाने होने चाहिए। और कायरन पोलार्ड मुझे नहीं लगता कि मुंबई इंडियंस एक खराब सीजन के बाद उन्हें छोड़ देगी। अब इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि क्या आप मेरी इस लिस्ट से एग्री करते हो या आप किसी और खिलाड़ी का नाम भी इस लिस्ट में डालना चाहोगे। आपका जो भी ओपिनियन हो, जो भी ओवरसीज खिलाड़ी आप ट्रेड करवाना चाहते हो, किस टीम में करवाना चाहते हो, सब कुछ फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। आईपीएल 2023 से लेकर के वर्ल्ड T20 एशिया कप सब पर बहुत ही डिटेल एनालिटिकल वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं कि टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा, टीम इंडिया का चौथा फास्ट बॉलर कौन होगा, कौन सी वर्ल्ड T20 की टॉप टीम्स होने वाली हैं, आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो, मिनी ऑक्शन, टारगेट प्लेयर्स, कंप्लीट प्लेइंग 11, सब कुछ चैनल पर अवेलेबल है। सो मेक श्योर यू चेक ईच एंड एवरी वीडियो ट्यू एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।